हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, सभी नीट स्टूडेंट्स के लिए ऑफिशियल अपडेट आया है नीट 2012 का। और सभी बच्चे जो परेशान हो रहे थे नीट 2022 का एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, तो पूरी अपडेट एनटीए की तरफ से आ चुकी है। तो जल्दी से जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हैं चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर खबर आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को बता दूँ कि नीट 2022 पोस्टपोन नॉट ट्विटर ट्रेंड्स एंड गवर्नमेंट स्टैंड्स न्यूज। अब गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया है देख लेते हैं। नीट यूजी विल बी एडमिनिस्टर्ड इन पेन एंड पेपर फॉर्मेट ऑन 17 जुलाई लोकेशंस अराउंड द कंट्री एज अ रिजल्ट ऑफ द फैक्ट दैट द यूजी मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैज बीन कंडक्टेड इन सेप्टेम्बर फॉर द लास्ट 2 ईयर्स बट विल बी हेल्ड इन जुलाई दिस ईयर। द एप्लीकेशन प्रोसीजर फॉर नीट यूजी इज नाउ ऑन गोइंग एट नीट। तो नीट 2022 पोस्टपोन होगा कि नहीं, ये आपको बता देते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज ऑफन नोज एज नीट पीजी 2022 हैज गॉन वायरल ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन लार्ज नंबर्स। कैंडिडेट्स आर एडवाइज डेट द स्टोरी ऑफ द डिफरल ऑफ नीट पीजी इज फॉल्स, डेट द एमसीसी हैज नॉट इश्यूड एनी सच नोटिस अकॉर्डिंग टू अ नोटिफिकेशन इश्यूड बाय द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। नीट 2022 कैंडिडेट्स हैव रिपोर्टेड टू सोशल मीडिया टू अर्ज डेट द यूजी मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन बी पोस्टपोन। तो यहाँ पर देखिए, ये नोटिस जो एनटीए की तरफ से सर्कुलेट हो रही है, इवन इनफ एनटीए हैज़ नो अपडेट दैट हैशटैग पोस्टपोन नीट यूजी 2022 इज स्टिल ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर। स्टूडेंट्स आर स्टिल प्रपोजिंग अ पोस्टपोन नीट यूजी 2022 रिक्वेस्टिंग दैट द टेस्ट बी रिमूव टू सेप्टेम्बर। इवन थ्रू मोस्ट स्टूडेंट्स वॉन्ट अ डिले इन द नीट एग्जाम ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, ये आपको हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया गया है कि नीट पीजी 2022 के अकॉर्डिंग जो है एनएमसी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये सेशन लेट होने के कारण और 2 साल से जो एग्ज़ाम सेप्टेम्बर में हो रहा था, इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं डिमांड कर रहे हैं कि इसको जो है चेंज करके सितंबर में किया जाए। एनएमसी इज इंसिस्टेड अबाउट नॉट डिलेइंग द टेस्ट सिंस दे वांट टू बिगिन द सेशन बाय अगस्त। अगर एग्ज़ाम जुलाई में हो गया तो जुलाई के बाद अगस्त से आपका सेशन स्टार्ट होने में आपको हेल्प मिलेगी। इसलिए जो एनएमसी है वो नहीं चाहता है कि नीट का एग्ज़ाम फिर से पोस्टपोन हो। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि जो बच्चों का कहना है, और अभी काउंसलिंग प्रोसेस भी चल रहा है, तो हो सकता है, और कोरोना की 4th वेव भी आ गई है, तो इसके चलते अगर बच्चों पे ये ज़्यादा असर डाल रही है, हो सकता है कि एग्ज़ाम उस समय पोस्टपोन कर दिया जाए। और फिर अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो ये अगस्त लास्ट में या सितंबर के 1st वीक में ही कंडक्ट कराया जाएगा। तो जैसे ही कोई अपडेट आता है आप चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू।